दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु। आज आप संस्कृत क्लास में आ गए हैं। वन अरे टू काम काम नहीं वाह। रहता तो आ जाता हूँ प्रभु। ओके ओके। तो हमने अभी बहुत सारे शब्द रूप देखे हैं, बहुत सारा चीज देखा है ना। कल हमने यह का जो शब्द रूप है वो देखा कि कैसे जो है यह का शब्द रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में होता है। आज हम लोग एतत मतलब यह है ना। कल हमने जो देखा था वो था यह, जिसका हिंदी था जो, और आज हम देख रहे हैं एतत। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले पुल्लिंग जो शब्द रूप है वो देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी नोट करते जाइए। हम लोग जानते हैं पहला जो है ऐसा, हाँ, फिर है हरे कृष्ण और प्रभु फिर है दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। उसके बाद है एकम, या इसको हम लोग एक और इसमें इस्तेमाल करते हैं, एनम, दोनों इस्तेमाल होते हैं। जी हरे कृष्णा। क्लास अभी से चालू हुआ है ना कि सुबह चालू हुआ था? हाँ अभी स्टार्ट हुआ, अभी अभी स्टार्ट हुआ। वो मैसेज में मतलब टाइम गलत लिखा था। टाइम क्या लिखा था मैसेज में? मॉर्निंग 6:45 का लिखा है। 6:45। हाँ ओके, हो सकता है कुछ गलत हुआ हो। तो ये दो विभक्ति हो गया। इसके बाद एतेन, इसमें जो लोग एनएन भी बहुत जगह पे इस्तेमाल आता है, एनिंग, एताभ्याम, एताभ्याम, एते, बालक शब्द रूप जैसे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। इतेश में एताभ्याम, एते भ्याम, जैसे बालक से वैसे एतस्य। प्रभु जी सेकंड लाइन में वो एतम और एनम है ना? हाँ, एतम और एनम ये दोनों इस्तेमाल में आता है। ठीक है, अलग अलग कहीं कहीं पे शाम। एतस्मिन, जैसे अस्मिन था, एतस्मिन, एतयो, एतेषु। ठीक है, तो ये सारे सात वक्त में लिख लिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखूं क्योंकि आपको पता है हिंदी क्या होने वाला है इसका हिंदी अर्थ, है ना। ये ऐसा मतलब यह, एतो मतलब ये दो, और एते मतलब ये सब। ठीक है, और इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसने, इन दोनों ने, हाँ, इन सब ने, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एतम, एतम मतलब इसको, है ना, इसको, एतो मतलब इन दोनों को, और एतान मतलब इन सब को, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में कर्म को होता है, तो यहाँ पे को लग जाएगा। फिर तृतीयांग हो जाएगा इससे या इसके द्वारा, एताभ्याम मतलब इन दोनों से या इन दोनों के द्वारा। ठीक है, इस तरह से सारी विभक्ति जो है उसका अर्थ निकलता जाएगा। तो अब इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद नपुंसक लिंग देखेंगे।
नपुंसकलिंग में वैसा ही दो विभक्ति जो क्या है वो ब्लर अलग आ रहेगा, रहा है? बाकी ब्लर आ रहा है, फोकस हो रहा होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, तृतीया में क्या लिखा है? एतेन और एनेन है क्या? हाँ एनएन, एतेन और एनएन दोनों अभी पछुए सही में आ क्या? रहा होगा जी। पछुए में क्या लिखा है? पश्चिम में एतस्मात्, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्याम। तो जी लास्ट पे एतेषां क्या? हाँ एतस्य एतयो एतेषां, एतेषां यहाँ पे आकार है। हाँ फिर एतस्मिन् एतयो एतेषु, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, रोज की क्लास के नोट्स प्लीज आप ग्रुप में डाल दीजिए करिए, क्योंकि कल वाले नहीं आए थे तो वो जो मेरे से कुछ रह जाता कर जाता है ना, वो मैं फिर उसमें से पूरा कर लेती हूँ। बहुत हेल्पफुल होती है इसमें, बहुत ज्यादा मदद बहुत मिल जाती है। प्लीज नोट्स डाल दीजिए। एक्चुअली क्या है, नोट मैं बना नहीं रहा हूँ, नोट जो है प्रभु जी है अरविंद प्रभु जो क्लास में भी आ रहे हैं तो वो बना रहे हैं, वो मुझे भेजते हैं तो मैं सब कुछ लिखने बोल देता हूँ। हाँ जी प्रभु जी, उनसे रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि वो प्लीज भेज दिए। यस यस, बात कर लेता हूँ, आपको भेज देंगे। हाँ और प्रभु जी, जिस दिन क्लास अटेंड नहीं करते ना, जिस दिन क्लास अटेंड नहीं करते ना, उस दिन नोट्स ही नहीं आ रहे प्रभु जी। एक्चुअली क्या हुआ है, नोट्स भी थोड़ा मतलब नहीं मिल पा रहे सही से, प्रभु जी थोड़ा बिजी रहते हैं ना तो वो भी नहीं भेज पा रहे, और हमारा जो वीडियो है जो अपलोड होना था वो अपलोड हुआ है लेकिन पब्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एक प्रभु जी जो इसको एडिट कर रहे हैं वो भी थोड़ा भी व्यस्त चल रहे हैं, तो 2-3 दिन का बात है, बाकी सब ठीक है, वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, प्रभु जी सारे यूट्यूब पे काम बहुत इकट्ठा हो जाता है ना फिर। जी 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 हाँ जी, धन्यवाद जी जी ओके। अभी मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं जो लेने का सोच रहा हूँ पेन टैबलेट, उसमें मेरे को ये बहुत आराम हो जाएगा कि मैं खुद जो पढ़ाऊंगा वही नोट्स बन जाएगा, मैं फिर ब्लैकबोर्ड में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसी इसमें पढ़ाऊंगा वर्ड पे या फिर किसी चीज पे, तो वो नोट्स बन जाएगा फिर वो मैं आराम से शेयर कर सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ इसके लिए थोड़ा डोनेशन अगर आ जाए कहीं से कोई कंट्रीब्यूट कर दे, फिर मैं उसको लेके आप लोग नोट्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। प्रभु एक मिनट थोड़ा। हाँ ऊपर का मैं इसे 2 इरेज करूंगा क्योंकि ये पुलिंग में और नपुंसक लिंग में बस यही 2 अंतर होता है, और ये सारा आपको जो पीडीएफ मैंने भेजा है उस पीडीएफ में अभी आपको मिल जाएगा। प्रभु जी पिछले चैप्टर में आपने वर्तते के बारे में पढ़ाया था, उसका हिंदी क्या होता है? वर्तते का मतलब भी है होता है, जैसे भवती भी मतलब भी होता है और वर्तती मतलब भी होता है, लेकिन वर्तती थोड़ा अलग हो रहा है, जैसे वर्तती मतलब हो जाता है कि स्थित है, वर्तमान में स्थित है ना, और भवती मतलब जैसे होता है कि चीनी मीठा होता है, इस तरह के बहुत सारी चीजें है ना जहाँ पे होता है तो वहाँ भवती आता है, थोड़ा अंतर है, उसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे बाद में। नपुंसक लिंग जो है इसका बस 2 जो है विभक्ति, एतत् एते एतानि, ठीक है, और एते यहाँ भी है, एतत् एते एतानि, बाकी सारा जो है वो आपका पुलिंग वाला ही रूप चलेगा। अभी ये सारे रूप आप अगर याद नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बस इसको नोट करके रखिए, क्योंकि जब बाद में हम लोग वाक्य जब बनाएंगे संस्कृत में, जब वाक्य बनाएंगे हिंदी से संस्कृत करेंगे या फिर संस्कृत से हिंदी करेंगे, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल हमें वहां पे लगेगा, इसलिए ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है।
अगर आप पीडीएफ को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं तो वो अच्छा है, और नहीं तो आपके पास जो नोट्स है वो सब काम में आएगा, ठीक है ना। प्रभु जी प्रभु जी एक लाइन मतलब फॉर एग्जांपल मैं सेकंड लाइन थर्ड में लिखा है भूल के और थर्ड लाइन फोर्थ में लिखा है तो चलेगा ना? मतलब मैं समझा नहीं क्या बोल रहे। अभी मैं समझिए बीच वाला अभी थर्ड लाइन जो है वो ए ना ए ने तो वो जो है ना वो भूल के मैं डायरेक्ट एतस में ऐसा लिख गए तभी तो वो जो थर्ड वाला लाइन आप है उसको, वो फोर्थ। हाँ आप उसको अपने अपने नोट्स में सही से लिख लीजिए कि हाँ कि ये थर्ड वाला है उल्टा मतलब ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, वो कोई अपना हमारे जो डिस्कशन में गलती हुआ है। बस ध्यान दीजिए कि कौन सा लाइन जो है वो कौन सा तृतीय व्यक्ति है कौन सा चतुर्थी है। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसका स्त्रीलिंग, ठीक है ना। इसका स्त्रीलिंग भी होता है जैसे स का होता है, हम लोग अब देखते हैं इसका स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग का जो रूप है तो पहला हो जाएगा ऐसा, हमने ये पहले भी जानते हैं कि ऐसा होता है स्त्रीलिंग में एते और एता, जैसे सा ते ता था वैसे ऐसा एते एता, और यहाँ पे हो जाएगा एताम या एनाम, एते एता। लतिया जिस होता है एतया एतया और एनया, यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा आ रहा है एनया, एताभ्याम। एताभी लता भी तो वही से रिजेंबल कर रही थी, ठीक है। एतस्य एताभ्याम तो तीन बार आएगा और ये एताभ्या, एतस्य के बाद एतस्या द्वितीया, एतस्या एताभ्याम एताभ्या, फिर से एतस्य आएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा एतयो लतयो। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही अगर आपने याद कर लिया तो उसके जैसा ही आपको बाकी मिलेगा स्त्रीलिंग में। एतासाम जैसे लतासाम होता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एतस्याम, थर्ड में थर्ड का क्या लिखा है? एक मिनट, थर्ड में लिखा हुआ है एतया एनया, ये दोनों होते हैं एताभ्याम और एताभी। हाँ लतया लताभ्याम लताभी वैसे ही। रजनी माता आपका अनम्यूट है, इसको म्यूट कर लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है वो। क्षमा कीजिए प्रोफेसर। हाँ तो ये हमारा ऐसा जो है एतक, ये हमारा आज हो गया। अब हम लोग देखेंगे अयम, है ना, इदम जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग में, तो ये दोनों का जो अर्थ है वो यही होता है। एक मैंने बताया था कि जो ऐसा है वो होता है बहुत नजदीक कोई अगर है तो उसके लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं, है ना, और थोड़ा थोड़ी थोड़ा दूर में है थोड़ा नजदीक कम है पर नजदीक नहीं है तो उसको
इदम आई एम के रूप में इस्तेमाल करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आपने जो मतलब थोड़े मतलब नोट्स एक नोट्स भेजा था ना सम यूजफुल वर्ड्स का मैं हाँ थोड़ा वो डिस्कस कीजिए ना मतलब कि वो समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा मतलब ठीक है ना उसको अभी हम लोग मैंने वो भेजा इसलिए है क्योंकि वो बाद में हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अवयव है तो अवयव का जब हम लोग क्लास करेंगे तो उस टाइम हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ठीक है। वो मैंने नोट्स तो लास्ट जो गैट था उसमें से वो नोट्स आया है तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ जब हम लोग उस चैप्टर पे जाएंगे अवयव पढ़ेंगे। जी सिक्स्थ लाइन है एतस्य सॉरी ये वाला ना हाँ एतस्य जो ये है वही चीज यहाँ भी है एतस्य एतयो एतासाम है ना एनयो भी होगा इसके साथ और एतासाम जैसे लतया लतयो लतासाम लतेसाम ऐसा कुछ तो आता है ना लता के रूप में प्रभु जी दूसरे में लिखे हैं जी दूसरे और तीसरे में हाँ के बाद फिर क्या लिखा है इसमें इसमें तीसरे में ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी सेकंड वाला होता है एनाम 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 ये ना है ना है ना नाम ये एनाम है और ये एनया है। हाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा और इदम जो है वो नपुंसक इदम होगा। जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। आप जो अभी बता रहे थे ना षष्ठी का मतलब एतासाम का बट एक्चुअली वो लता में मतलब कि लता नाम है ना वहाँ पे लता में मैंने बोला आपको ये लता के एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि सर्वनाम शब्द है ना थोड़ा सा रिजेंबल करेगा थोड़ा सा मिलेगा उसमें जैसे आप बोल सकते हो कि इसमें भी लतया था तो यहाँ भी एतया है वहां भी लता अभियान था तो यहाँ भी एता अभियान है तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा लता भी है तो यहाँ भी एता भी है पर हर कुछ नहीं मिलेगा है ना हर कुछ जो है इसमें नहीं मिलेगा थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है मतलब। हाँ लेकिन लता है रमा है मीरा है बालिका है उसमें सब कुछ मिलेगा है ना क्योंकि वो आकारांत स्त्रीलिंग है और ये जो है वो एतत् सर्वनाम है ना ये अलग सर्वनाम आज ही हम लोग करेंगे इसके बाद जो है हम लोग कुछ और शब्द रूप है जैसे इकारांत पुलिंग है इकारांत स्त्रीलिंग है उकारांत पुलिंग है ये दो तीन शब्द रूप और बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है इसको कर लेंगे उसके बाद फिर हम लकार में जाएंगे ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा अभी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ इदम इदम मतलब भी यह होता है ना पुलिंग में अयम इमो इमे इमम किन्हीं का म्यूट है आप दूर कर दीजिए इमम इमो इमान इसमें भी
एक और वर्ड आता है एनम, जैसे वहां आ रहा था एनो एनान। अनेन या इने आभ्याम, एक अभ्याम पे आभ्याम ए भी में अभ्याम एक भी। स्मार्ट अभ्याम एक भी। अस्य तस्य मतलब उसका, अस्य मतलब इसका, अनयो मुझे, आप इनके मीनिंग लिखवा दीजिए ना प्लीज। ठीक है मैं ये शाम अस्मिन आपने सब सुना होगा बहुत, अस्मिन और यीशु। ठीक है मैं एक वचन और बहुवचन दिखा रहा हूँ क्योंकि ये द्विवचन जो आपको समझ आ जाएगा। तो आई एम मतलब, आई एम का मतलब भी है यह या फिर इसमें। ठीक है इमे मतलब वे ये या उन्होंने, इसने इन्होंने। ठीक है इनम मतलब इसको, उनको, इनसे या इनके द्वारा। ये हो जाएगा उनसे सॉरी इन, यहाँ पे बहुवचन भी आएगा इन, इन हो इन लोगों से, इन लोगों से या इन लोगों के द्वारा, है ना इनके द्वारा, इनके भी हो सकता है इनके द्वारा। ठीक है इसके लिए, इसके लिए, इनके लिए, इससे, इनसे। बहुवचन में बहुत सिंपल है इससे, इन दोनों से, इनसे, अस्य इसका, इसका, इसकी, इसका सब इसी में आ जाएगा। इनका बहुवचन मतलब इनका, इन 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 में, हाँ इन में, इन पर, इसमें इसमें क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ आ जाएगा इनमें, इन पर। ठीक है इस तरीके से हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। तृतीय विभक्ति में जो है हाँ
एक वचन उनका हाँ, हिंदी में इसके द्वारा होगा ना। हाँ सर, इसके द्वारा बहुवचन हो जाएगा इनके द्वारा। हाँ इनसे, हाँ इनसे और इसके द्वारा एक वचन में, इसलिए यहाँ पे इसके होगा है ना। जैसे बोलेंगे कि इसके द्वारा यह काम करो तो वहां पे एक वचन लगेगा। संस्कृत जो है वो बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन देता है चीजों का, मतलब हर एक चीज के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ इदम और ये तत्व में मतलब सिमिलैरिटी है क्या बहुत? हाँ इदम मैंने बताया था इस क्लास में, इदम का मतलब हो जाएगा अगर मैं बोलूंगा इदम मतलब यह, लेकिन यह मतलब आपका थोड़ा नजदीक है, पर जो एतत है, एतत है वो एकदम सामने है, वेरी नियर, ठीक है, जस्ट मेरे सामने मेरे पास में, बहुत नजदीक है। और एतत मतलब एकदम मतलब थोड़ा नजदीक है, और एतत मतलब बहुत नजदीक है, ठीक है। आप ये कौन सा क्लास था डेट मुझे प्रभु जी? साफ दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। हाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है प्रभु जी, क्लियर है। हाँ आप उसको पिन कर लीजिए, फुल स्क्रीन में कीजिएगा तो आपको दिखेगा प्रभु जी। ये दो वाला लास्ट वाला बता दीजिए बस, हो गया। देखिए ये है अस्य, अस्य मतलब इसका, अनयो और एनयो, हाँ इन दोनों का, एशाम इनका, इन सब का, ठीक है। फिर अस्मिन इसमें या इस पर, फिर यहाँ भी अनयो इनयो ही आएगा है ना, और एशु इनमें इन पर। विभक्ति आपको पता ही है, सप्तमी विभक्ति में मतलब में आता है, में पे पर। हरे कृष्ण प्रभु जी। 10th जनवरी की क्लास में आपने बताया एशा और अयम का, 10th जनवरी का। हाँ 10 जनवरी में जो है क्लास में बताया था मैंने। और एक प्रश्न था प्रभु जी, जो हाँ, अभी षष्ठी और सप्तमी है ना, उसमें हाँ, जो आपने बहुवचन में लिखा हुआ है एशा एशाम और एशु, हाँ इसमें मतलब आसाम और आसु भी है क्या? मतलब वो पीडीएफ में? नहीं नहीं, पीडीएफ में आपको दिख रहा है क्या? हाँ पीडीएफ में एशाम और एशु। अच्छा मैं चेक करता हूँ। हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं मेरे इस किताब में तो नहीं है और मैंने कभी लिखा भी नहीं है ऐसा। आपने जो पीडीएफ भेजा था उसमें मतलब? हाँ मैं देखता हूँ। एशाम और एशु ही है, आसाम और आशु जो है वो स्त्रीलिंग में है ना, पुल्लिंग में आपका जो है वो एशाम और एशु है, ठीक है। एक बार आप थोड़ा फिर से चेक कीजिए स्त्रीलिंग में। हाँ स्त्रीलिंग में, हाँ स्त्रीलिंग में। ठीक है आप लोगों ने लिख लिया होगा, अभी मैं आपको इसका नपुंसक लूंगा। ओके है प्रभु जी। हाँ ठीक है ठीक। कृष्ण प्रभु जी तब तक मैं थोड़ा सा क्वेरी पूछ लूं आपसे। हाँ पूछिए पूछिए। पुष्प का जो है ना, प्रथमा में पुष्पाणी है और तृतीया हाँ, में पुष्पे न है एक, तो पुष्पाणी है उसमें मतलब न, नाक वाला न यूज होता है या बाण वाला न? हाँ जो आप ये बोल रहे हैं ना, न बाण न वाला न, पुष्पाणी पुष्पाणी ये मूर्धन्य न है ना, पुष्पाणी। अच्छा तृतीया में पुष्पे न होगा। हाँ तृतीय एक वचन में पुष्पे
एक्चुअली क्या होता है, मुझे लगता है ये इसमें तो ये ना ही आएगा, ठीक है, एक बार फिर मैं इसको मैं चेक करूंगा। इसका भी एक रूल है, फल का जो है ना वो वही फला नहीं हो रहा है उसमें, न लग रहा है, और पुष्प में पुष्पाणी, हाँ पुष्पाणी, और यहाँ पे पुष्पे न हो रहा है तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। मतलब सिलेबस में अगर वो एडवांस में है तो ठीक है, गेस मैं इसको चेक करूंगा, चेक करूंगा। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी जो आपने इदम का ये जो मीनिंग बताए हैं सारे, तो एतद में सेम मीनिंग ही रहने वाले है ना सबके हिंदी में? हाँ एतद में भी वही रहेगा, है ना, इवन स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में भी इसमें जो है कोई अंतर नहीं होने वाला, बस आपका जो संस्कृत में जो है वो अंतर आने वाला है, हिंदी में वापस अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, तो भी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। प्रभु जी इधर मतलब नजदीक, प्रभु जी हाँ इधम मतलब, एकदम मतलब आप बोल सकते हैं नजदीक है पर थोड़ा नजदीक है, और एतत मतलब एकदम सामने है, नियरेस्ट आप बोल सकते हो, एकदम सामने है ना, एग्जैक्ट नियर, वेरी नियर, ठीक है। तो ये हम नपुंसकलिंग इसका जो है इसमें सिर्फ हमको पता है कि ये दो ही विभक्ति चेंज होगा, बाकी जो है वो वैसा ही रहेगा। दम में इमा ईमान, इदम में ईमान, यहाँ भी इदम आ जाएगा, यहाँ भी ईमे आ जाएगा, यहाँ भी ईमान आ जाएगा, तो ये इसका नपुंसकलिंग हो जाएगा, यहाँ पे एनम नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो इम्पोर्टेंट सर्वनाम सब थे वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ और भी है लेकिन हम लोग अगर उसको बाद में करेंगे तो चलेगा, अभी हमारा जो जरूरत का जो है वो हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अभी कल जो है ई करांत और ऊ करांत, है ना, पुलिंग और स्त्रीलिंग प्रभु जी ये सब देखेंगे। जी इदम फर्स्ट लाइन में इदम इमे इमामी है क्या? इमानी 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 ना इमानी, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, जैसे एतक केते एतानी था वैसे इदम इमे इमानी। जो नपुंसक लिंग का होता है उसमें सिर्फ प्रथमा और द्वितीय का चेंज होता है और बाकी का सब पुल्लिंग के हिसाब से ही चलता है ना? यस सारे आपको सारा जो है आपको ऐसा ही मिलेगा, बालक में भी वही मिलेगा, नपुंसक ये सर्वनाम शब्द में भी वही मिलेगा।
प्रभु ये अपने नपुंसक लिंग का लिखा है क्या लिंग के बाद? हाँ, ये नपुंसक लिंग है, ये नपुंसक लिंग है। इसमें सिर्फ आपका ऊपर का दो विभक्ति जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी सब वही पुल्लिंग वाला ही है। अच्छा, जब मैं देखूं मैंने पुल्लिंग में चेंज कर दिया उसको। हाँ, बस नपुंसक लिंग में दो ही विभक्ति चेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। ये आप शुरू से यही पैटर्न देख रहे होंगे, बालक में भी है, बालिका में भी, सब में वही चल रहा है। आकारां आकारां सब में ही चलेगा। क्योंकि अगर हो जाएगा आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिए। दिया प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम इसका स्त्रीलिंग देखेंगे, जिस तरीके से हमने अभी एतक का देखा है वैसे इसका भी रूप बदलेगा। और आप इसका इस्तेमाल करना मतलब स्टार्ट कीजिए, जैसे आप हिंदी के वाक्य लिखे जिसमें इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि इनसे कहीं पे वाक्य बन रहा है, जैसे इन्होंने 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 आम तोड़ा, ठीक है। तो जो अभी आप लकार पढ़ाएंगे ना, तो लकार के बाद आप सारे जो वाक्य बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे टेंसेस जो है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, आज्ञा सूचक, चाहिए के अर्थ में, और जितने भी अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग फिर बाद में कैसे करने लगे। ठीक है, अभी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ ऊपर का पहले। इसका अर्थ तो ही रहेगा, बस संस्कृत में जो है उसका रूप बदलेगा। यहाँ तो हो जाएगा इयम, वहां अयम था, अयम इयम इदम। यहाँ पे आप देख पा रहे इमे जो है आपका दोनों में है, फिलिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है, इयम इमे इमा। ठीक है, इमाम और एनाम, आप में से कोई अनम्यूट है? रजनी माता आप अनम्यूट हैं? हाँ सर। हाँ, ये ईमा हो गया, इना हो गया, अनया अनया और एना। इसमें भी आप ध्यान ही आएगा। और इसमें आ जाएगा आप भी बता भी, ठीक है। अस्सी अस्सी इसके लिए, अरे उठ
इसमें भी आ जाएगा ठीक है। फर्स्ट टीम हो जाएगा फिर से अस्य और यहाँ जाएगा आसाम, आसाम स्टेट में आसाम आसाम ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनिंग हो गया, इसमें बस जहाँ पे प्रभु इसको याद करने का सरल तरीका क्या है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसके इसमें। एक्चुअली क्या है माता जी, जब हम इस्तेमाल करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे ना कि इसको याद करें और फिर इस्तेमाल करें तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। आपको याद करना है, मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज आपको याद करना है। आपको याद करना है बालक बालिका और सह, जो है सह। अगर सह याद कर लिया आपने तो आपका ऐसा भी हो जाएगा ठीक है, आपका सॉरी आपका किम हो जाएगा, आपका जो है यह हो जाएगा। तो ये जो आपको इम्पोर्टेंट मैंने बताया था बालक ठीक है ना, बालक के साथ आपका जितना भी आकरण पुल्लिंग सब हो जाएगा ठीक है, और बालिका आकरण स्त्रीलिंग ठीक है। सह अगर आपने याद कर लिया तो इसके साथ आपका और अपने आप किम यह ये याद हो जाएगा, अहम और तुम, इतना आपने अगर याद कर लिया तो आपका बहुत सारा जो है वो आपको वर्ड मतलब वाक्य बनाना आपको आ जाएगा। और बाकी जो लगेगा जरूरत बाद में वो हम लोग बाद में इसको देख देख के, इस टेबल को देख देख के हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको याद होने लगेगा कि अच्छा इसमें यहाँ पे इस विभक्ति में ये लिखा हुआ है ठीक है। आपको शुरुआत में याद नहीं करना, आपको पहले इस्तेमाल करना, याद आपको इन सबको कर लेना है ठीक है। ये याद करना, 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 ये याद करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि सेम रूप तीनों का चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग ठीक है। अहम और तुम में लिंग भेद नहीं होता है इसलिए वहां पे सिर्फ एक ही रूप है, बालक बालिका और सह, इन तीनों का पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग तो और आसान है, सिर्फ दो विभक्ति याद करना, बाकी सब जो है पुल्लिंग वाला ही है। तो आपको ये याद करना, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको वो चीज याद होने लगता है ना, जब हम गाने गाते रहते हैं गुनगुनाते रहते हैं तो वो याद हो जाता है। तो इसको भी हम जब इस्तेमाल करने लगेंगे तो याद हो जाएगा, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना याद हो जाएगा। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। अभी इसमें मतलब ये अभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो मीनिंग है हिंदी में हाँ, तो मतलब कभी सेम ही है मतलब, और जब यू हाँ, यूज करते हैं मतलब तब बहुत मतलब कि सेंटेंस देख के मतलब हाँ, जब हम यूज करेंगे ना तो हमें हिंदी में समझ आया कि ये वाला जो है पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग के लिए। संस्कृत में ये क्लियर है कि ये जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है ठीक है, लेकिन हिंदी में ये क्लियर नहीं है। ओके थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कंफ्यूजन देखिए आप समझिए बात को, संस्कृत पहले है ना, संस्कृत प्राचीन भाषा है तो वो डिटेल में है पूरा, उसके बाद उसको और इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा ये करने के लिए सामान्य जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए हिंदी आया है ना, और हिंदी के बाद इधर आप देख रहे हैं कि इंग्लिश आया है। तो जितना आप नीचे जा रहे हैं
जितना हम लोग बाद में लैंग्वेज जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे चीजें जो है वो डिटेल कम हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी संस्कृत पढ़ रहे तो संस्कृत के बारे में भी जान रहे हैं, संस्कृत में किस तरीके से सारे लिंग और वचन का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिटेल दिया जा रहा है उसमें। मैंने जी जी प्रभु हरे कृष्णा नहीं आपका आवाज थोड़ा कट रहा है, क्या बोल रहा है? मैं क्या लिखा प्रभु प्रभु आप फिर से बोलिए, आपका आवाज सही से नहीं आया। सिक्स्थ में क्या लिखा है प्रभु? सिक्स्थ में आपका ये जो अस्य है ना, मतलब ये पंचमी वाला वही वाला यहाँ पे आएगा, इसका अस्य। हाँ, और यहाँ पे अनयो एनयो और आसाम माँ में हलंत होगा आसाम। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे रखेंगे, यहीं तक कम करेंगे, और कल हम लोग कुछ और शब्द रूप है उसको देखेंगे, फिर लकार में जाएंगे। लकार में जैसे जाएंगे धीरे धीरे करके हम जो है वाक्य बनाना शुरू करेंगे। लकार का मतलब ये हमें क्रिया जो है क्रिया का रूप हमें पता चल जाएगा कि करूंगा क्या होगा, हाँ करती है क्या हो जाएगा, करता है क्या हो जाएगा, ठीक है करेंगे किया उसका क्या हो जाएगा। तो ये जो क्रिया वाले जो शब्द हैं उनका जो है संस्कृत हमें पता होना लगेगा जब लकार हम लोग जानेंगे। तो हम धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, इसको करने के बाद हम लोग लकार में जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। किसी भी तरह कुछ प्रश्न हो, डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी बहुवचन में लास्ट में सेकंड लाइन आसमाम है क्या? आसाम है, आसाम है, आसाम आसाम मा है, आसाम मा में हलंत। तो आप लोग इसको याद करना शुरू कर दीजिए, अगर याद नहीं किए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो हम अभी कर रहे हैं अगर आप धीरे धीरे याद करेंगे बाद में जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बाद तो चलेगा, कोई इशू नहीं उस पर। प्रभु ये बालक बालिका वाला हुआ था जब ये मैंने क्लास नहीं की थी, तो इसका कब अपलोड होगा? बालक का बालिका का जो शब्द रूप है आप पीडीएफ में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ में जो है ना, या फिर आपको इंपॉर्टेंट है उन सबके मिल जाएंगे ना फिर तो। जी प्रभु ये जो इम्पोर्टेंट आपने लिखा है बालक बालिका स किम य अम तो हम सबके मिल जाएंगे? हाँ सबके मिल जाएंगे, सबके पीडीएफ में सारा भेजा है। ओके मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, वहाँ पे तो सारा मिल, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये देख पा रहे हैं आप, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ये आपका बालक शब्द रूप है ना पुलिंग में, बालक अकारांत पुलिंग, ये सारा दिया हुआ है। इसके बाद इसका जो नपुंसकलिंग होता है ना फल का, वो दिया हुआ है। फिर जो ये आकारांत स्त्रीलिंग, ये बालिका लता जो है, लता बालिका रमा सब इसी के रूप में चलेगा, जिसके अंत में आकार आएगा है ना। लता के अंत में क्या आ रहा है? लास्ट में आकार आ रहा है अंत में, इसलिए इसको आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं मुनि इकरांत पुलिंग, ये हम लोग कल देखेंगे है ना, मुनि का जो शब्द रूप है मुनि पति सब इसके उसी से चलेगा। और फिर ये इकरांत स्त्रीलिंग है, इसको भी देखेंगे हम लोग।
कल या परसों में, भानु जो है वो उपरांत पुलिंग है, इसको भी देख लेंगे। इसके बाद आप इसी में देखिएगा तो आपको मातृ वाला भी आएगा, मातृ पितृ वाला भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग अभी इतना करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, हमें इतना भी जरूरत भी नहीं है, हम लोग थोड़ा जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, जो हमें जरूरत है वही हम लोग देखेंगे। और इसमें सर्वनाम जो है, सर्वनाम स्वरूप भी दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे सर्व दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ना, यह का जो मैंने कल कराया था वो दिया हुआ है पूरा, फिर ऐसा दिया है जो आज हमने किया है ना, सारा रूप दिया है, पुलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है। उसके बाद इसमें आपका सह का दिया हुआ है ना, जो मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट है, ये भी दिया हुआ है, स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसकलिंग सारा दिया हुआ है, किम का दिया हुआ है, ठीक है, सारा दिया है इसमें। मतलब आपको इदम भी दिखे जो है वो भी दिया हुआ है, अस्मत दिया है, अहम अवाम वयम त्वम का दिया हुआ है, तो आपको ये सारा मिल जाएगा इसमें। जो चीज मैंने नहीं अभी तक किया वो भी इसमें है, और जो मैंने किया है वो भी इसमें है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पीडीएफ आप लोग को भेजा है, ठीक है। तो हम लोग समाप्त करते हैं। जब जब ये 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा ना संस्कृत क्लास, तो फिर से आप स्टार्ट करेंगे फिर से संस्कृत क्लास? हाँ, क्योंकि एक ही टाइम में समझ में आना मेरे लिए आप तो। इसलिए इसके लिए जो है रिकॉर्डिंग किया हो गया है। आपको जो चीज डाउट लगेगा ना आप मेरे से बाद में पर्सनली पूछ सकते हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं देखूंगा, मैं डाउट क्लास बीच में बाद में रखूंगा। लेकिन जो कोर्स है ना वो जो है वो एक बार में ही मतलब होगा, फिर बाद में जब लेवल 2 होगा या फिर अगले साल फिर से जब गैट होगा तो उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं बाद में, तो भी अच्छा होगा ऐसा लग रहा था। क्या कह रहे माता? वीकली 2 डेज रखे तो भी अच्छा होगा ऐसा लग। अच्छा, ये रेगुलर नहीं हो पा रहा है क्या? पर डे अगर करे तो नहीं हो पा रहा? एक्चुअली क्या नहीं, है कि अभी ठीक है, 3 महीने का ये, लेकिन बाद में जब कंटिन्यू कीजिए बाद में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बाद में हम लोग संडे को कर सकते हैं, संडे को 1 घंटे के लिए डाउट क्लास कर लेंगे जी प्रभु जी, क्योंकि क्या होगा हम लोग जो है थोड़ा समझे हुए रहेंगे ना, तो हम लोग को डाउट आएगा बहुत सारा, तो उस टाइम हम लोग डाउट क्लास कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो फिर हम लोग आज समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, शब्द दीजिए ना जिसमें हम लोग यूज कर सके जो आपने पढ़ा है, वो आप होमवर्क में दीजिएगा ना, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना। क्या मैं समझा नहीं, क्या चाहिए आपको? कुछ सेंटेंसेस जो हमें इसमें कन्वर्ट करने हैं।